Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जो मेहमान है ना उनसे जब मैं मिली हूँ तो मुझे एक चीज का यकीन है यार, वक्त बड़ी खूबसूरत चीज है और वक्त जो है ना वो खोल के इंसान को सामने ले आता है। सो आज जब हम उनसे मिलेंगे तो आप भी इस पे यकीनन मेरे साथ एग्री करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं उनको यहाँ बुलाऊँ चले थोड़ा सा गेम खेलते हैं, गेस गेम। वो पाकिस्तान के वो हीरो हैं जो आज तक फिल्म्स में भी हमें नज़र आ रहे हैं और अभी उनकी रिसेंटली, नॉट वेरी रिसेंट लेकिन अभी कुछ अरसे पहले एक बड़ी शानदार फिल्म भी रिलीज हुई है। कौन से ऐसे पाकिस्तान के फिल्म इंडस्ट्री के वो हीरो हैं जो एक ज़माने से काम कर रहे हैं और अभी तक उनकी फिल्म्स आ रही हैं? गेस करें कोई नाम। आपको पता है क्योंकि मुझे यकीन था कि इसका जवाब आना चाहिए कि शान। शान तो है लेकिन इन्होंने भी अपने आप को साबित किया है कि इतना वक्त गुजरा है लेकिन वो वक्त गुजरने के साथ साथ वैसे बहुत ज्यादा हैंडसम होते जा रहे हैं, बल्कि उनकी बेगम साहिबा भी इज बिकमिंग इवन प्रिटियर। प्लीज वेलकम फिल्म स्टार एंड डायरेक्टर मोहम्मद राना एंड मेहनाज राना। मैं आज तो आपकी बेगम की तारीफ करूंगी आपसे पहले। मुझसे ज्यादा करेंगे इसलिए कि देखे ना, आपको नहीं लगता कि माशाल्लाह से मेहनाज साहिबा जो है वो और ज्यादा हसीन है। इतनी तारीफ क्यों हो रही है? लेकिन आप माशाल्लाह से कोई सीक्रेट तो बताएं हमें, क्या करें हम भी? सीक्रेट अभी बैठते बताती हूँ। चलाएं बैठते हैं जल्दी से, बिकॉज़ आई वुड लव टू हियर इट आउट। सर आप ठीक? ठीक है। आप भी माशाल्लाह बड़े सलमान खान, बड़े मतलब खूबसूरत बॉडी एंड एवरीथिंग। जो सीक्रेट आप इससे पूछी थी वो हमारा यही है कि जिम, वी गो टू जिम रेगुलरली। और दोनों मियां बीवी इकट्ठे जिम करते हैं? यस इकट्ठे। अगर टैक्स ना लगे तो अभी तक तो इकट्ठे कर रहे हैं। सो बट इसमें कोई लग जाए। अच्छा, इतना काम करते हैं आप सारा दिन ये वो, लेकिन जिम एक ऐसी चीज है जिसके बाद आप फ्रेश हो जाते हो। यस यू आर बैक। कितने बजे करते हैं सर, कितने घंटे? आई वर्क फॉर 30 मिनट्स 35 मिनट्स, आई वर्क आउट फॉर 35 मिनट्स, लेकिन उसमें आई डोंट टॉक टू एनीवन। और उसमें कोई मेरी होती है 510 रैप्स निकालनी होती हैं मुझे। 510 रैप्स निकालनी होती हैं अपर बॉडी की सिर्फ, जिस भी मसल की आप एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन वो आधे घंटे में वो आपको पूरा करना ही है अपना टारगेट। और मेहनाज साहब से भी बात नहीं करते उस टाइम पे? ना, वो एक वाहिद 45 मिनट में बात नहीं करता। और आप भी नहीं करती? नहीं, ये तो वैसे ही छोड़ देती है कि जाओ भाई ये करें। इट्स नॉट गुड बिकॉज मैं समझती हूँ कि ट्रेनिंग वही होती है जो मेंटल और फिजिकल हो। अगर आप हम 3 साल से रेगुलर रिलीजियसली जा रहे हैं और मैं इतनी औरतों को देखती हूँ जो अभी तक उतनी ही उतना साइज है जो पहले दिन आई थी, बिकॉज इट गॉसिप। कौन सी औरतों की बात कर रही है? जो जिम आती है, लाइक दे टॉक अबाउट मेड्स और मेरे मियाँ का फेयर इससे है, तुम्हारे घर में क्या खाना है, वो पकड़ा गया आज, उस पर छापा मारा गया। सो दिस इज नॉट जिमिंग, दिस इज गॉसिपिंग। अच्छा, दो सवाल पेंडिंग है मेहनाज जी। एक शुरू में तुमने पूछा था कि आप कैसे अपने आप को मेंटेन करती हैं। माशाल्लाह मैं खाती तो सब कुछ हूँ, माशाल्लाह कोई डाइट शाइट का सीन नहीं है, तो फिर ना करनी चाहिए बिकॉज आई थिंक आई एम टोटली अगेंस्ट के डाइट। मुझे नहीं लगता जब से आपकी शादी हुई है आपके ड्रेस का साइज कोई 1 इंच भी बड़ा होगा। माशाल्लाह हैविंग थ्री डॉटर्स, टू डॉटर्स, माशाल्लाह टू डॉटर्स, बट स्टिल यार मैं तीसरी का कैसे पता चला तुम्हें? मैं या फर्क क्या, तुमने एक सीक्रेट पता को मेरे सामने कोई नहीं। इट्स ऑल अबाउट बीइंग हैप्पी। आई थिंक एक इनर सोल होता है ना, वो रिफ्लेक्ट करने लगता है विद एज। आप आई ऑलवेज वॉन्टेड कि आप एज के साथ ग्रेसफुल होना चाहिए, अपनी एज को एक्सेप्ट करना चाहिए। वही बात आती है, जब मेरी शादी हुई थी तो सब हीरोइंस कहती थी हम आपसे छोटी हैं सारी, तो आप छोटे ही रहें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो माशाल्लाह मुझसे बड़ी थी। तो आप छोटे ही रहें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीरियसली इट्स ऑल अबाउट बींग हैप्पी, खुश रहें। एक तो शक करना बिल्कुल आपकी ज़िंदगी और हेल्थ और औरत की हेल्थ के लिए सबसे जो बुरी चीज़ है। तो इतना खूबसूरत मियां हो तो फिर बंदा क्या करे, जिसके पीछे खवातीन बेडरूम तक आ जाएं, मतलब और इससे बड़ी और तबाहकुन बात क्या है? तो
अंकल से मैं आपकी जगह होती तो मैंने तो खुद कुछ हमला कर देना था उसके। ये मेरी सारी दोस्तें मुझे कहती हैं कि मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ये कर। मैंने कहा इसलिए तुम मेरी जगह नहीं हो। यू नीड अ बिग हार्ट, ठीक है ना। और बस फिटनेस का राज यही है, खुश रहें, सब कुछ खाते रहें, प्लीज कोई डाइट ना करें, लेकिन बर्न इट आउट, एक्सरसाइज जरूरी नहीं, आप जिम जाएं। डांस इज द बेस्ट। यू डांस एट होम? यस यस। ओह माय गॉड, आई वाज इन आवर्स ऑफ डांसिंग। मैं भी जिम इसलिए साथ लेके जाता हूं कि मुझ पे छापा ना पड़ जाए किसी। नहीं, वो तो मार चुकी हूं पहले। अच्छा, जब आपने छापा मारा था तो क्या ये रंगे हाथों गिरफ्तार हुए थे या बच निकले थे? कुछ रंगे हाथों ही था तकरीबन। नहीं, हाथ तो किसी और के हाथ में था। वाकई साहब, ये आप हमें सुनाएंगे वाकया। ये क्या कह रही है महनाज? बस हो जाता है यार, अब हो गया, अब बट वे बैक। हाँ, अब उन पे भी बुढ़ापा आ गया है तो वे बैक जाहिर है। उन पे भी, बिकॉज देखो औरत की एज जल्दी ढलती है, हीरो की एज लॉन्ग लास्टिंग होती है। अगर आपने अपना वो फिट रखा हो तो ओनली। हमारे यहाँ वैसे भी हीरो जिस खातून के साथ हीरोइन आता था, ड्रामों की बात कर रही हूँ, फिल्म इंडस्ट्री की नहीं, अब वो खातून माँ का रोल कर रही होती है और वो हीरो जो है उसकी दो बीवियाँ होती हैं, वो दो बीवियों वाले शोहर का कैरेक्टर कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, 100%। ये हमारा जो है ये कल्चरल सिलसिला भी। नहीं, मगर आप उधर भी देखो ना, माधुरी एंड सलमान, दे हैव वर्क टुगेदर, बट माधुरी कैन नॉट एक्ट विद सलमान खान नाउ। सलमान इज कमिंग विद यंगर गर्ल्स, यू सी। तो ये हीरो की लाइफ इज लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। एक्चुअली हीरो की लाइफ जो है वो ज्यादा लॉन्ग, ठीक है। वरना रोमांटिक हीरोज जो है वो थोड़ी देर आते हैं, उसके बाद फिर डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, बिकॉज लोगों ने उनको सिर्फ उसमें देखा होता है। तो जारी बात है, एज जब आती है तो आप रोमांस करते बुरे लगते हैं। आप पे वैसे सर इतनी, मतलब एज डज नॉट रिफ्लेक्ट सो मच ऑन यू, नजर नहीं आती है। बचा के रखा ना मैंने। अरे क्रेडिट आपका है, वाह भी वाह, महनाज जी संभाल के रखा। अभी ताली नहीं मारनी। आज मैं पहले बता दूं, सारे क्रेडिट महनाज के। नहीं देखो, ये तो बहुत बड़ी इन्होंने बात कर दी है, सारे क्रेडिट मेरे हैं। इस पे भी टैक्स ना लगा दीजिएगा प्लीज। क्योंकि मैं यू एग्री कि सारे क्रेडिट आपके हैं या आपके थे? नहीं, इनके भी हैं। जिस जगह पे ये थे, अल्लाह ताला का खास करम है कि अल्लाह ताला ने इनको बहुत सी चीज़ों से बचाए रखा। और उस वक्त जो इंडस्ट्री में मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस किस्म के लोग थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये एक पढ़ा लिखा ख़ानदान से, एक रिस्पेक्टेड फैमिली से लड़का आया है, तो हम इसको किसी ना किसी तरह पुल डाउन करें। बिकॉज अच्छा। ये उनमें से नहीं था। यू सी, ही वाज ऑलवेज कॉल्ड एन एलियन एंड स्टिल अभी तक इसको एलियन ही कहा जाता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ों से इसको बचाया, मुझे बचाया। वी वेंट थ्रू अ लॉट। जो बज़ाहिर लोग नज़र आते हैं वो हैं नहीं, इट्स क्वाइट फेक। एक पंजाबी का वो है ना, दुनिया दो रंगी, अंदरों वैरी बारो संगी, तो ये तो दुनिया का फॉर्मूला है। अच्छा महनाज़ी, आप बता रही थी अभी कि टेक्स अ लॉट एक घर को कायम रखना, एक फिल्म की दुनिया के हीरो के, वो क्या चीज़ें होती हैं जो चैलेंज आपके लिए आए? मेरे ख्याल में इट्स अ जर्नी जो बहुत से ट्रायल्स से आपको गुजरना पड़ता है, इसके लिए बहुत सब्र चाहिए। एंड मेरे ख्याल में, मैं समझती हूँ कि जिस चीज़ से मैं गुजरी हूँ, अगर कोई और गुजरे तो शायद वो ज़िंदा ना रह सके। अच्छा जी, बिल्कुल। ऐसा क्या था? ऐसा बहुत कुछ था, क्योंकि कुछ नज़रें सबकी इनकी तरफ ही थी और रुख भी इनकी तरफ ही थे। तो कॉम्पिटिशन वो तीन चार उस वक्त चार ही एक्ट्रेसेस जो थी, ठीक है। तो वो चार कौन कौन सी थी? रीमा, मीरा, रेशम, आपस में ही लड़ती रहती थी कि किसका होगा ये। अच्छा, हाँ सर, चौथी मुझे रीमा, मीरा, रेशम। देखिए, एक ने तो कहा कि मंगनी हमसे पहले हो गई, ठीक है। एक ने कहा, जब मेरी बात पक्की हुई, एक ने कहा मेरे आपसे पहले, मेरे फेस पे, आपसे पहले मेरे से शादी हो गई इनकी। एक ने शादी के बाद कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ। तो ये चीज़ें सहना,
इनसे गो थ्रू होना. आप लड़ी नहीं आपने, मतलब मोमिन आलम साहब से लड़ाई नहीं की मंगनी के बाद? इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन. शायद अगर मैं पढ़ी लिखी ना होती या समझदार ना होती तो फिर इसमें फिर लड़ाई ही होती है. थैंक यू वेरी मच अंकल एंड आंटी, आपने इनको पढ़ाया. तो बैकग्राउंड बहुत काउंट करती है. अच्छा अच्छा, इतना सारा कुछ नहीं, एंड यू टुक इट, और आपने मतलब अपने मियाँ के साथ लड़ाई नहीं की, अपना रिलेशनशिप ख़राब नहीं किया? बिकॉज मैं अपना घर नहीं ख़राब करना चाहती, बिकॉज ऑफ द फैक्ट वो आने जाने वाली चीज़ें हैं. यू सी, आपको शक नहीं हुआ कभी के शक किस चीज़ पे भाई? जब शक किस चीज़ पे, जब मुझे वो फेस पे कह रही हैं आई लव योर हस्बैंड, शक किस पे करूँ? नहीं नहीं, आपको यकीन था कि अच्छा ये है अब, एंड लेट्स डील विद दिस. या बिकॉज मेरा यकीन अल्लाह पे है और किसी चीज पे नहीं. दैट्स इट. सर आपने बड़ा वो लाफ्टर दिया, वैसे तो मोहम्मद आना है आप, लेकिन शफकत चीमा वाला लाफ्टर दिया यहां. अल्लाह ना करे. नहीं, लाफ्टर आपने वही वाला दिया सर, तो आप उसका थोड़ा सा बता दें कि वो क्या है. जारी बात है, मतलब एक, चलो हीरोइन से हटके भी एक बात बताता हूँ आपको. हाँ, मतलब हमारी शादी के बाद वी वर इन द रूम, तो मेरी बर्थडे थी जी, तो एकदम दरवाज़ा खुला है और एक बंदी हाथ में गिफ्ट पकड़े हुए और बुके लिया हुआ हाथ में सामने आके खड़ी हो गई. अब मैं सोचूं कि ये कोई मेहमान की जाने वाली, बेडरूम के अंदर आ गई, घर के अंदर बेडरूम के अंदर, घर के अंदर बेडरूम के अंदर. जी 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 जी. Okay. तो मैंने कहा शायद इसके जानने वाली है. मैं कहा मेरी तो नहीं है जाने वाली, क्योंकि मैंने आज तक देखा नहीं इसे. And I thought इसकी कोई कजन है, बिकॉज़ शादी को साल हुआ था हमारा फर्स्ट बर्थ. अच्छा, तो नीचे अम्मी थी. अम्मी ने कहा शायद, अम्मी ने भी यही सोचा कि मिनाज की कोई कजन होगी. वो सामने आई खड़ी होगी. अब मिनाज मुझे देखे, मैं उसको देखूँ, फिर मैं मिनाज को देखूँ. कि नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं है भाई. बट उनको यहाँ तक पता चल गया कि मैं किसी जगह जाता हूँ शॉपिंग के लिए, तो शी स्टार्टेड अ जॉब देयर, तो ये वहाँ पे आता है. Really? तो ये एक किस्सा बता रहा हूँ, इस तरह के बहुत ज्यादा किस्से. सो आप लोग सोच सकते हैं कि ख्वातीन भी इतनी क्रेजी आशिक हो सकती है, जो मोहम्मद आलम साहब ने अभी एक वाकया सुनाया कि ये एक मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने, और उस खातून को पता चलता है कि वहां से शॉपिंग करते हैं, तो शी टुक अ जॉब देयर, उसने वहां काम करना शुरू कर दिया इसी बहाने. रोज आती थी वो, तकरीबन रोज बेल देती थी और मेरी सास से बेग करती थी कि प्लीज मुझे देखने दें, उनको मिलने दें, एवरी डे.